राजधानी भोपाल में महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए नगर निगम द्वारा 2 जनवरी 2023 से महिला महापौर हेल्पलाइन की शुरुआत की गई थी। हर मंगलवार को महापौर मालती राय स्मार्ट सिटी के दफ्तर में समस्याओं की समीक्षा करती है। इस दौरान उन्होंने शिकायतकर्ता महिलाओं और संबंधित अधिकारियों से बात कर समस्या के निराकरण को लेकर चर्चा की। साथ ही उन्होंने बताया कि अब तक महिला महापौर हेल्पलाइन में 2400 के करीब शिकायत मिली थी, 1700 से ज्यादा का समाधान कर दिया गया, बाकी बची हुई समस्या का 2 दिन में निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। महापौर ने बताया कि लाइट, सीवरेज, बारिश का पानी भरने को लेकर शिकायतें मिली हैं। इससे पहले महापौर मालती राय ने हेल्पलाइन में शिकायतकर्ता लोगों से खुद बात की और फीडबैक लिया। महापौर ने अधिकारियों कर्मचारियों को तत्काल शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि दावों के उलट इनमें कई शिकायतें ऐसी भी है जिनका निराकरण नहीं होने पर महिलाएं बार बार महापौर हेल्पलाइन में शिकायत कर रही है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। महापौर हेल्पलाइन में शिकायत आ रही है, इसलिए मैंने की खत्म करी होगी। आज की तारीख में 360 तुम्हारी पेंडिंग बनी है और 104 स्मार्ट सिटी की। एक सौ चार कंप्लेनों में से अभी ये क्लियर करके बता देंगे कितना हुआ है। और 360 स्ट्रीट लाइट अपनी आपकी बंद है मगर निगम की। उसके बाद आई है। सलमान का कहना यह है कि जितना भेज देते सैटरडे जिनको भेजा था ना, तो ये कल शाम तक 104 हो गई है, ठीक है, और 360 हो गई है तुम्हारी आगे। आज महापौर हेल्पलाइन की हमने सप्ताह किया, जो हमारा फायदा है कि हर मंगलवार को स्वयं आकर और समीक्षा करनी है, इसी तारतम्य में आज हमने समीक्षा की। इस हफ्ते में 2466 समस्याएं आई हैं और 2466 समस्याओं में से 1799 समस्याओं का समाधान हो चुका है। बाकी समस्याओं का समाधान 2 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा, क्योंकि कुछ समस्याएं लाइट की है और बारिश होने के कारण लाइट की समस्याओं में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कुछ समस्याएं अतिक्रमण की है, बिल्डिंग परमिशन की है, उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जहां जल भराव की समस्याओं की शिकायत की नई थी, और तीनों समस्याएं आधे घंटे के अंदर क्लियर कर दी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।